नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चिराग झा। इस वक्त मेरे हाथ में एक क्यूब पजल है और आप में से कई लोग इसे सॉल्व करना चाहते होंगे लेकिन नहीं कर पाते होंगे। लेकिन क्या आप मानेंगे कि सिर्फ 3 साल का बच्चा इस क्यूब को सॉल्व कर सकता है अगर उसे सही टेक्निक बताई जाए और उसके ब्रेन पावर को बढ़ाने पर काम किया जाए। आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट मौजूद हैं, जो कि जीनियस किड की दिल्ली, जो उसका सेंटर है, उसकी फाउंडर हैं, पूनम जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि इस पज़ल में ऐसा क्या खास है कि इसे सॉल्व करना बहुत ज़रूरी बन जाता है? ये पज़ल दिखने में तो एक खिलौने की तरह है, जस्ट अ टॉय, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अ टॉय। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे ब्रेन के लिए जितनी भी हमारे न्यूरॉन्स हैं सारे एक्टिव हो जाते हैं जिस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। ना कि ही 3 साल का उम्र का बच्चा, बल्कि 7 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, जो एक ऐसी एज कैटेगरी है जिस जो निगलेक्टेड होती है, इवन तक कि ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, जिनका क्या होता है कि जैसे बड़ी उम्र होती है हम बहुत सारी चीज़ें भूलने लग जाते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे वो न्यूरॉन सेल्स एक्टिव रहते हैं और जो अचानक से भूल जाने वाली प्रॉब्लम होती है वो हमारी ठीक हो जाती है ग्रेजुअली। तो ये एक मैजिक, जस्ट अ मैजिक। तो मैम बता रही हैं कि ये जो एक क्यूब पज़ल है ये सिर्फ एक टॉय, एक खिलौना नहीं है बल्कि एक मैजिक है। मैं अगली चीज़ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो बच्चा है उसका ब्रेन पावर ज़्यादा बढ़े, IQ ज़्यादा बढ़े। तो ब्रेन पावर एक्चुअली में होता क्या है, आप कैसे देखते हैं कि ब्रेन पावर कैसे डिसाइड होता है किसी बच्चे का? ब्रेन पावर की कोई मापने की शक वो नहीं है। लोग कहते हैं बच्चे का IQ है, बच्चे का EQ है, ये सारी चीज़ों को मिला करके एक बच्चे का ब्रेन बनता है, जो माइंड बनता है। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूँ साइज़ को लेकर के, तो हम एडल्ट्स का जो ब्रेन होता है उसका सिर्फ 1/4 हिस्सा बच्चों के पास होता है जो उसका साइज़ है। और वहीं अगर मैं दूसरे तरीके से तुलना करूं कि इनका पावर कितना होता है, तो ये हमसे कई गुना ज़्यादा होता है। अगर मैं 1% अपने एडल्ट्स की बात करती हूँ तो इनके पास शायद 100% होता है। बस उस 100% को एक्टिव करना, उसका जानकारी होना पेरेंट्स को, टीचर्स को, वो बहुत ज़रूरी है। सो आज की डेट में तो मैं हर पेरेंट को यही कहूँगी कि बहुत एक पुरानी सी कहावत है, मैं जब छोटी थी तो मुझे भी कहा जाता था बच्चे बादाम खाएंगे तो ताकत आएगी, आपका ब्रेन स्ट्रांग होगा, आप इंटेलिजेंट हो जाएंगे। बट एक्चुअली में ब्रेन तभी स्ट्रांग बनता है या तभी एक्टिव होता है जब उसको चैलेंज दिया जाता है। सबसे एक छोटा सा सवाल दिमाग में आता है, क्या हमने कभी किसी बच्चे को टेबल के ऊपर चढ़ते देखा है क्या? पर देखा हम सब ने है, ये बात बिल्कुल तय है, पर हम सब ने किसी ने सिखाया नहीं है। अगर उसको चॉकलेट चाहिए और आपने चॉकलेट टेबल के काफ़ी ऊंचाई पे रखा है, तो वो खुद से अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस टेबल को सरका के लाता है, उस पर चढ़ने की कोशिश करता है, चढ़ता है, गिरता है, चढ़ता है, गिरता है, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ता, चढ़ता है और फिर जा कर के वो चॉकलेट अपने हाथ में लेता है, क्योंकि वो अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना जानता है। और हम अपने बच्चे को अंडर एस्टिमेट करते हैं, मेरा बच्चा बहुत छोटा है, बट आज के डेट में बच्चा कुछ छोटा नहीं होता। 5 साल तक की उम्र में हमारा ब्रेन एक्चुअली डेवलपिंग स्टेज पर होता है, उस टाइम पर आप उसको 5 अलग अलग भाषाएँ भी अगर सिखाना चाहते हैं ना, तो वो बच्चा उन 5ों भाषाओं को 100% एक्सेप्टेंस में रहता है। सो आप उसको जितना दे सकते हैं, वो एक स्पॉन्ज है, देते जाइए वो एब्जॉर्ब करता जाएगा, आप देते जाइए वो एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं पूनम जी कि 5 साल तक का जो बच्चा होता है उसका ब्रेन काफ़ी एक्टिव होता है, वो काफ़ी चीज़ें सीख सकता है। तो ऐसे पेरेंट्स जो इंतज़ार करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा पहले बड़ा हो जाए फिर हम उसे नई चीज़ें सिखाएं, वो शायद गलत है। अगर आप एक कम उम्र में, जैसे 3 साल इन्होंने बताया, अगर आप उसी समय एक्टिव होकर अपने बच्चे को नई नई चीज़ें सिखाएं तो शायद वो उन चीज़ों को जल्दी ग्रैब करेगा। मैं अगले विषय पर आना चाहता हूं, जो है मैथमेटिकल स्किल्स जो होते हैं, जैसे स्टार्टिंग में टेबल होता है, बच्चों को काफ़ी रटाया जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक बहुत मुसीबत वाला काम है स्कूल जाना और टेबल लर्न करना, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और वो बच्चे को कई बार रिवाइज करना होता है, रिपीट करते रहना पड़ता है। बट उसके एक बहुत आसान सी टेक्निक होती है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है रिपीटेड एडिशन। टेबल अगर बच्चे को सिखाना है, स्कूल में स्किप काउंटिंग सिखाते हैं बट वो एक सर्टन लेवल तक होता है, उसके आगे नहीं लेके जाते। बट अगर उसे एक्चुअली में सही तरीका यूज़ किया जाए, तो चाहे वो सिंगल डिजिट का टेबल हो, चाहे वो डबल डिजिट हो, चाहे वो ट्रिपल डिजिट हो,
बच्चे को ये बताना ज़रूरी है कि हम उसको एडिशन के माध्यम से हम उसे बना सकते हैं। अगर मुझे 47 का टेबल लिखना है तो मुझे 47 प्लस 47 प्लस 47 प्लस 47 ऐसे करते करते ना कि हम सिर्फ 10 पे आके रुकेंगे, बल्कि हम जब तक आप चाहेंगे तब तक हम टेबल बोल सकते हैं और लिख सकते हैं। सो टेबल सीखने की बहुत आसान सी टेक्निक होती है। दूसरा, हम बच्चे को ये नहीं बताते 2 8s और 8 2s, उसका आंसर सेम होता है। हम बच्चे को 2 का टेबल भी पूरा ही लर्न कराते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम 8 का टेबल भी पूरा ही लर्न कराते हैं, और जबकि हम उसे कट शॉर्ट करके उसको आधा सिखा सकते हैं, आधा सिखाने में उसका आधा समय लगेगा। तो इवन स्कूल्स भी ऐसे मेथड्स का अगर यूज़ करेंगे तो उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। 7 9s 9 7s, दोनों का आंसर सेम है। तो ये बड़ी अच्छी बात बताई पूनम जी ने, और हमें भी मार मार कर घर में स्कूल में टेबल सिखाया गया था। अगर इस टाइप की टेक्निक हमें बताई गई होती तो हम भी शायद टेबल आसानी से सीख सकते थे। मैं अब आना चाहूँगा इस जीनियस किड पे, जिसकी आप निदेशक हैं दिल्ली सेंटर की। जीनियस किड क्या है, क्या इसका उद्देश्य है और किस तरीके से काम कर रहा है, इसके बारे में ज़रा दर्शकों को बताइए। जीनियस किड अकेडमी के जो फाउंडर हैं ही इज़ यूजेबियस नरोना, और हमारा हेड ऑफिस जो है वो वापी गुजरात में है। उनका ये मानना है कि बच्चों का ब्रेन जो कि आज के टाइम पे वेस्ट हो रहा है, उसको कैसे संतुलित किया जाए, कैसे उसको एक्यूमुलेट किया जाए, और उसको कैसी कैसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज करना चाहिए ताकि उसके दिमाग में किसी भी तरह की नकारात्मक चीज़ ना आए। बहुत बड़ी सुनने में आता है कि अभी मैं कुछ समय पहले, शायद हो गए होंगे कुछ महीने हो गए होंगे, सुनने में आया था कि एक बच्चे ने अपनी मदर का मर्डर कर दिया। सिर्फ रीज़न यही था कि उसकी मदर ने उसको गेम खेलने से मना किया, उसे पबजी नहीं खेलने दिया और बच्चे ने मर्डर कर दिया। तो ये रीज़न क्या था? लोगों ने ये तो समझा कि बच्चे ने मर्डर किया, लेकिन उसके पीछे की उसके जो मानसिकता थी उसको नहीं समझने की कोशिश की। मानसिकता ये थी कि बच्चा सोशल नहीं था, बच्चा इमोशनली नहीं अटैच था। अगर इमोशनली पावरफुल होता बच्चा तो ये हरकत नहीं करता। तो इन सब ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को कराते हैं जिसमें तो एक पहली चीज़ तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा उसके इमोशनली उसको स्ट्रॉन्ग करना, सोशली उसको कनेक्ट करना, उसका कॉन्फिडेंस जो नीचे चला जाता है उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना। ये सारे काम सर का बिल्कुल वो रहता है कि हमें ये करना है, और हमने प्रण लिया हुआ है कि आने वाले कुछ सालों में अगर ईश्वर ने चाहा तो हर बच्चे के हाथ में क्यूब होगा, ना कि मोबाइल होगा। तो ये बहुत बड़ी बात कही इन्होंने कि बच्चे का इमोशनली और मेंटली दोनों ही स्ट्रांग होना सेम टाइम पर ज़रूरी है। और आप देख भी सकते हैं कि हमारे पीछे एक छोटा सा बच्चा है जो तभी से क्यूब से खेल रहा है और ये क्यूब को सॉल्व भी कर सकता है, और इवन मैं हूँ, कई सारे हमारे उम्र के लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा बच्चा जो है इसको सॉल्व कर सकता है सिर्फ जीनियस किड और पूनम मैम इन लोगों के गाइडेंस की वजह से। मैं अगली बात आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जीनियस किड में आपने बताया कि आप 3 साल से 70 साल तक के लोगों को आप ट्रेन करते हैं, कितना मुश्किल होता है इस एज गैप, क्योंकि एज गैप काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो क्या सिखाने के तरीके अलग हैं दोनों के, या कैसे आप हैंडल करते हैं इस चीज़ को? सर, सिखाने के तरीके की अगर मैं बात करती हूँ तो हर इंडिविजुअल के साथ तरीका बदल जाता है। छोटी उम्र का बच्चा है तो सबसे पहले तो हमें उसके साथ दोस्ती करना होता है। अगर मैं दोस्ती नहीं करूँगी, उससे बात नहीं करूँगी, वो मेरी बात को नहीं समझेगा। जब मेरी एक बारी उससे दोस्ती हो जाती है तो उसकी पसंद और नापसंद जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। एक बच्चे ने सीखा तो सुपर हीरोज़ को उसे पसंद थे, तो मैंने उसको सुपर हीरोज़ की स्टोरी बना करके उसको क्यूब सिखाया। दूसरी तरफ एक बच्ची आई, उसको डॉल्स बड़ी पसंद थी, तो अलग अलग कलर्स की डॉल बताई, जैसे ये ऑरेंज कलर की डॉल का है, ये वाइट कलर की डॉल की ड्रेस है, ऐसे करके उसको बताया। ऐसे ही जब ये आए तो इनकी अलग ही पसंद थी कि इनको खाने पीने की चीज़ें थोड़ी सी पसंद है, हम चाट खाएंगे, हम गोलगप्पा खाएंगे। सो जो बच्चे को जैसा पसंद होता है उसकी अकॉर्डिंगली ही उसकी स्टोरी बनानी होती है। सिमिलरली 9 10 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं दे आर लिटिल स्मूथ इन लर्निंग, तो वो सीख जाते हैं। अगर हम ओल्ड एज की बात करें जो बहुत निगलेक्टेड होते हैं, दे आर इमोशनली वीक एक्चुअली, तो उनको इमोशनली हमें कनेक्ट करना पड़ता है और उनको हम उनके परिवार के साथ जोड़ते हैं। अगर मैं बोलूँ तो ये घर है, ये उनके परिवार के सारे परिवार के सदस्य हैं, तो इन सदस्य को हम बिगाड़ देते हैं, सब अपने अपने काम में चले जाते हैं, और अल्टीमेटली घर उनके साथ नहीं जाता है, सबको घर पे वापस आना होता है। सो दादाजी घर पे आ गए, बच्चा घर पे आ गया, मम्मी भी घर पे आ गए, पापा भी घर पे आ गए, और हम सब लोग घर पे वापस आ जाते हैं और एक परिवार के साथ जुड़ जाते हैं। सो
बिकॉज़ क्योंकि वो इमोशनली वीक होते हैं उनके परिवार के साथ और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको उसी लेवल पे जा करके उनको सिखाना होता है। तो ये एक बहुत ही जो बात मुझे समझ में आ रही है कि सीखना मुश्किल नहीं है, बस सिखाने का तरीका सही होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी बात है यहाँ पर। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जीनियस किड के बारे में, आपका सेंटर दिल्ली में कहाँ है और कैसे लोग इससे जुड़ सकते हैं, ये ज़रा बताइए आप लोगों को। जीनियस किड का सेंटर हमारा प्रीत विहार दिल्ली में है और आप हमारे फेसबुक पेज पे भी जाके देख सकते हैं, जीनियस किड न्यू दिल्ली टाइप करेंगे तो आप हमारे फेसबुक पे आ जाएंगे, आप हमें वहाँ पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर भी है 9654412928, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ 9654412928। सो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी ऐसा हो अगर कॉल ना लगे तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज छोड़ सकते हैं, तो आई विल गेट बैक टू देम। तो ये इन्होंने बताया कि किस तरीके से आप जीनियस किड से जुड़ सकते हैं और इन्होंने पूरी एक जो प्रणाली जिस तरीके से ये काम कर रहा है ये इन्होंने बताया। और आज के वक्त में भी जो भी पेरेंट हैं, आजकल जो एक भाग दौड़ की जीवन है, वर्किंग पेरेंट्स होते हैं, वो अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते हैं, तो वैसे समय में आप कैसे ये कोशिश करें कि जो आपका बच्चा है वो मेंटली स्ट्रांग हो, इमोशनली स्ट्रांग हो, और जो स्किल्स हैं चाहे वो क्यूबिकल्स हों, मैथमेटिकल्स हों, वो उसे कैसे आए कम उम्र में, इसके लिए आप जीनियस किड से ज़रूर जुड़ सकते हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।